क्या करने वाली हूँ ऑन मुनव्वर फारूकी टैग लाइव फ्रॉम बिग बॉस 17। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मुरली नायक, वेलकम टू माय चैनल, रखने वाली मुना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जिसको जिसको कला की नॉलेज नहीं वो दूसरों की कला को क्या समझे। नहीं नहीं, ये कला नहीं, ये कला तू कला। मुनव्वर चाहता है मैं भी मॉनिटर बन जाऊं। मुनव्वर मैं चाहता नहीं हूं, तुम बन जाओ, तुम हो। मुनव्वर मेरे डांस के टाइम पे तो ना रहे, सुनो, क्योंकि उसे गलत नजरिए से देखा जाता है। और गलत नजरिए ये इल्जाम, ये मजाकिया नजरिया, ये अनकॉल्ड मजाकिया नजरिया, मजाकिया नजरिया। जहाँ खूबसूरत कला उसमें कॉमेडी ट्रेजेडी लगती है। गार्डन नब्बी सांस के वरना उल्टी कर दे। ये किसका था? अपना ले लेता हूँ, एक मिनट दिखाना दिखाना। अरे वो है तो बॉटम में है ब्रो, खराब हो गया वो। हाँ सॉरी। चिंटू मैं तेरे को इतना जानने लग गया ना, जैसे तूने बोला ना खराब हो गया, मैं कंफर्म हो गया कि ये सही है। मुझे अगर पता है कि ये इंसान कहाँ जाने वाला है शो पे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मनारा नॉमिनेट हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहीं नहीं जाने वाली, तो मेरा उतना कैलकुलेशन तो है। तो मैं जब इसको लेके परेशान ही नहीं हूँ तो मैं इसको क्यों बताऊँ कि तू टेंशन मत लेना। क्या हो रहा है तुम्हें? What's wrong with you? उसको क्या लगता है सब लोग मेरे इर्द-गिर्द घूमते रहे क्या? मनारा को ऐसा लगता है। अच्छा बैठ जा। Don't do this. अच्छा, sorry. You keep doing this. It's not right. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं खाली एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। इफ यू बिहेव लाइक दिस। अच्छा सॉरी। नहीं सही है यार कि तू टेंशन मत लेना। क्या हो रहा है तुम्हें? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इरिटेटिंग बना रहा, अच्छा नाम दिया है ऊपर, इरिटेटिंग बना रहा। अच्छा बैठ जा। डोंट डू दिस। अच्छा सॉरी। यू कीप डूइंग दिस, इट्स नॉट राइट। जीवे यार समझा रहा हूँ, कुछ बता दी तो हमारी आपकी शिकायत से हर कोने में जाके नहीं करूंगा। चलो अभी शॉर्ट चिंटू आ गया, तुमसे बात कर। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस मना, आई विल नेवर कम टू यू एंड टॉक टू यू अगर तुम इस तरह बात करोगे। मैं तो अभी गई थी अपने कप्स उठाए दो दिए, वो वाला पता नहीं सना को पता है। ये ये पत्नी जो पूरा हफ्ता नॉमिनेशन से बचने के लिए बॉन्ड बना दी फिर रही थी। पति को ठहराया दोषी, पति के कह दिया कि पति ने किया सब कुछ, जानते हैं लोखंडे से विकी ने ऐसा क्या किया जो दिल पे ले गई बात। मियां ने किया अपने बेगम पे जुल्म, पति ने ऐसा क्या किया था जिसको लेकर आप हैरान है परेशान है। पति ने सेफ खेला और जिसकी वजह से भुगतना पड़ा पत्नी को। लोखंडे का कहना है अनसेफ है, पति सेफ से खेला। सेफ कहां से आया देखते हैं, मौसमी के साथ बने रहिएगा, गाजर नींबू लहसुन बैगन। सेम खेला पति ने कैमरा मैन बैंगन के साथ। ट्रिगर हो रहा है यार, बार बार एक ही चीज मेरे को वो बोली जा रही है, मेरे को ट्रिगर हो रही है वो चीज। और मैं तेरे पे नहीं चिल्ला रहा हूँ, उस बात पे चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो चीज हर्ट कर रही है। उस दिन वो 10 बार बोल के गई है, अभी भी 1 बार बोल के गई है। मुझे नहीं पता कि वो किस कंडीशन में है, जिस मर्जी कंडीशन में हो मेरे बारे में वो ये नहीं बोल सकती है भाई। वो हो गया इम्प्रेस नहीं कर रही मैं आपको, बता रही हूँ। तुम्हें मनाना मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस आई हो, आप ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो। नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है गुस्से में झगड़े में मेरे मुंह से भी गाली निकल सकती है। तेरे को ये समझना होगा, तू जिस लेवल पे चिल्लाता है, तू जिस लेवल पे जाता है वो तेरे को नहीं दिखता अभिषेक, क्योंकि भाई तू जो लेवल पे चढ़ता है ना वो लड़की उसको मैच नहीं कर सकती, उसको गाली देनी पड़ेगी। तो तेरे लिए एक लड़का एक लड़की डिफरेंट है यहाँ पे गेम? ऑफकोर्स मेरे लिए है भाई। अच्छा है, रिस्पेक्ट वाइज दूसरी चीजें हैं। मुझे लगा था तू कंटेस्टेंट ही लेता है, मतलब हर किसी को, हर कार कोई कंटेस्टेंट है, बट जेंडर तो है भाई, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। इक्वालिटी यहाँ पे नहीं चल रही, अगर आप इक्वालिटी कहाँ करो, क्यों तू इक्वालिटी की बात कर रहा है? अगर नहीं कर रहा हूँ नहीं, बट ये फैक्ट है, क्योंकि अगर लड़की करे तो इट्स ओके, लड़का अगर उस चीज को वैसे नहीं बोला इट्स ओके भाई, बट इट्स रॉन्ग। पर तूने उसको उस पे गाली पे कुछ बोला नहीं है, तो गाली पे तो मैं तेरे को भी कुछ नहीं बोला, बट अगर मैं पहले बोलता तो तू बोलता नहीं भाई, मैं ना बोलता। मनारा चोपड़ा
जिसका एक ही काम है दोस्ती का वैलिडेशन मांगना। बस सबसे मुझे आपकी और मनारा की फ्रेंडशिप है ये हमने देखी है। उसने आपको डिफेंड किया है, आप पर भरोसा किया है, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जब वो लोफ नहीं करे तो मुनावर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करे, वक्त गुजारे, करेक्ट ना मनारा? यस सर, मैं मुनावर और राइडर से एक्सपेक्ट करती हूँ। खुद अगर क्या मैं करती हूँ? दोनों से बात ना करूँ तो मैं लो हो जाती हूँ। किन दो लोगों का नाम लिया आपने? एक मुनावर और दूसरा अनुराग। परफेक्ट परफेक्ट, इट्स अ जीनियस मूव मनारा, बहुत चांसेस। चलो मुनावर की बात करते जी। मुनावर तभी आपके साथ बैठ पाएगा अगर ये घर का वो सदस्य बना रहा, करेक्ट और नॉट? हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। He has to be in the house, not to be your support system. अनुराग, उन्होंने जब मुनावर का नाम दिया फुल सीजन के नॉमिनेशंस के लिए, तो क्या आपने एक बार भी उसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि उसने मुनावर को नॉमिनेट क्यों किया? इसे कहते हैं फ्रेंड। Point. आपने अनुराग से एक बार भी नहीं पूछा कि व्हाई डिड ही नॉमिनेट योर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड इन द हाउस? ये पॉइंट अच्छा, नॉमिनेट थोड़ी हुआ नहीं था वो नॉमिनेट। मनारा, इट्स नॉट फनी। मैं समझ रही हूँ, मैं आई विल वर्क ऑन इट। अकॉर्डिंग टू मी इट्स हिपोक्रेसी। है ही वो, इधर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। आपको जो चाहिए वो आप एक्सपेक्ट करती हैं, बट वही सहारा आप खुद नहीं देती। एक इंसान जो तुम्हें इस घर में इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, तुम उसका इतना एडवांटेज नहीं दे। बहुत एडवांटेज ले रही हो। इट्स इनह्यूमन। मुनावर, अंकिता एंड विकी। मुनावर, आप ओ गॉड, क्या क्या चीजें हो गई। मतलब हर किसी को मुनावर से एक्सपेक्टेशन, जस्ट बिकॉज वो सबके लिए होता है एंड वो जेन्युइनली। देखो, मैंने बहुत से बातें कहा, जब वो किसी को कुछ चीजें एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं या कुछ अच्छी चीजें समझाने बैठ जाते हैं तो वो बहुत जेन्युइनली सारी चीजें सच्चाई से, मतलब उसमें कोई छल कपट नहीं होता ऐसा कि मैं उसको ऐसा ऐसा समझा दूंगा और फिर ये नेगेटिव चीजें करेगी फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसी वाली चीज मुझे नहीं दिखी। वो जेन्युइनली चीजें अच्छे एक्सप्लेन करने बैठ जाते कि तू अगर ऐसे करेगा तो ऐसे। मुझे खुद भी लगा मनारा उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है और मुनावर हमेशा मनारा के लिए थे। अभी वो कॉलर ऑफ द वीक वगैरह वाली चीजें बंद कर दी है ना बिग बॉस ने, वरना कोई एक कॉलर तो होता जो कब का ही मुनावर की आंखें खोल देता। अभी ये करण जौहर ने फर्स्ट टाइम चीजें उठाई है इसके बारे में, वरना सलमान खान ने बहुत से कितनी चुगलियां की मनारा ने जो एकदम आई ओपनर हो सकती है मुनावर के लिए, बट वो नहीं की क्योंकि बिग बॉस शायद खुद ही चाहते हैं कि मनारा और मुनावर इकट्ठा रहे, बिकॉज उन लोगों को इकट्ठा ही रखा गया है हमेशा से, ताकि इसका फायदा किसको होगा? सिर्फ मनारा को होगा, मुनावर को तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होगा। तो ये घूम फिर के चीजें उस तरीके से हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बट आई एम नॉट हैप्पी नाउ विद मनारा एंड मुनावर फ्रेंडशिप। जैसे पहले मुझे अच्छा लगता था उन दोनों को देखना, आप लोगों ने रिएक्शन अगर देखा होगा नया नवेला जब था तब मैंने किया था तो तब पसंद था, अब नहीं अच्छा लग रहा है। जस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड, सब लोग सिर्फ मुझे ही अटेंशन देने चाहिए, सब लोग सिर्फ मेरे इर्द गिर्द होने चाहिए, ऑलवेज लगता है उसको देख के। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। आप मनारा और मुनावर की दोस्ती देखना चाहते हो और तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाले सा, बाय।